दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर दूसरा शख्स तनाव, सिर दर्द और अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। कोरोना काल में ये समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। तनाव और चिंता की वजह से शरीर में दूसरी बीमारियां पनपने लगी हैं, जैसे बालों का झड़ना, आँखों का कमज़ोर होना, माइग्रेन, हार्ट और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं की वजह से। दोस्तों, ये स्ट्रेस है, इन सब समस्याओं की वजह स्ट्रेस है। ऐसे में कई लोग तनाव दूर करने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं। आप चाहें तो कुछ घरेलू चीज़ों से भी तनाव को दूर भगा सकते हैं। तनाव और चिंता को कम करने के लिए आप डाइट में कद्दू के बीज को शामिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कद्दू के बीज कई गुणों से भरपूर है, जिन्हें आप कद्दू में से निकाल के फेंक देते हैं। इन्हें खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और तनाव जैसी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। कद्दू के बीज नींद नहीं आने की समस्या को भी दूर करते हैं। कैंसर जैसी बीमारी में भी कद्दू के बीज फायदा करते हैं। तो आइए जानते हैं कद्दू के बीज के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, कद्दू के बीज खाने से तनाव दूर होता है। कद्दू के बीज में विटामिन सी होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करता है। और न्यूरोट्रांसमीटर वो होता है जो एक ब्रेन केमिकल है। न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग की एक्टिविटीज में सुधार कर मूड और नींद को कंट्रोल करने में मदद करता है। इससे तनाव की समस्या दूर होती है। कद्दू के बीज में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिससे आप शांत रहते हैं। इसमें विटामिन बी और जिंक भी होता है, जो तनाव को दूर करने में मदद करता है। अगर आपको नींद नहीं आने की समस्या है तो आप कद्दू के बीज खा सकते हैं। इससे अनिद्रा की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कद्दू के बीज मैग्नीशियम इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो मांसपेशियों को आराम देता है और आपको नींद अच्छी आती है। कद्दू के बीज में मैग्नीशियम, जिंक और फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और इन पौष्टिक तत्वों से सूजन भी दूर होती है। कद्दू के बीज में विटामिन ई भी पाया जाता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है। दोस्तों, कद्दू के बीज में खाने से डायबिटीज कंट्रोल में हो जाती है। कद्दू के बीज से डायबिटीज में बहुत फ़ायदा मिलता है। कद्दू के बीज में भरपूर फाइबर होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। मधुमेह के रोगियों के लिए विटामिन सी काफ़ी अच्छा माना गया है। एक रिसर्च के मुताबिक, अगर आप रोजाना 1000 mg कद्दू के बीज खाते हैं तो इससे टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में रक्त शर्करा और फैट को कम करने में मदद मिलती है। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी कद्दू के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कद्दू के बीज का तेल महिलाओं में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे हार्ट की बीमारी से बचा जा सकता है। कद्दू के बीज में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कद्दू के बीजों में अच्छी खासी क्वालिटी में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। अगर हड्डियों की बीमारी को बढ़ने से भी रोकता है तो इसमें फास्फोरस और जिंक भी पाया जाता है, जिन्हें हड्डियों की बीमारी से लड़ने में फ़ायदेमंद माना गया है। कद्दू के बीज शरीर में से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। बीजों में मौजूद मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। दोस्तों, कद्दू के बीज बालों को ग्रोथ करने में बहुत मदद करते हैं। इसमें विटामिन सी होते हैं, जो कि बालों के ग्रोथ करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर आप चाहें तो कद्दू के बीज के तेल को स्कैल्प पर लगा सकते हैं, या रिजल्ट जल्दी देखने के लिए कद्दू के बीज ऐसे भी आप खा सकते हैं। इससे भी आपके बाल मजबूत होंगे और जल्दी ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कद्दू के बीज खाने के फ़ायदे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।